हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टैग विद तनवीर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फोटोशॉप के सीरीज में हम सीखेंगे कि कैसे फोटोशॉप में कैसे हम लोग चांद बनाते हैं, या कैसे हम लोग सीढ़ी बनाते हैं, या कैसे हम लोग सर्कल को दो भागों में बांटते हैं या चार भागों में बांटते हैं, या लोगो बनाने के लिए कैसे फोटोशॉप में लोगो बनाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सबसे पहले हम फोटोशॉप में एक पेज ले लेते हैं और पेज लेने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक न्यू लेयर ले लेंगे। यहाँ पे क्रिएट न्यू लेयर, एक न्यू लेयर ले लेंगे। इससे फायदा ये होगा कि जो कुछ भी हमारे उसमें जो भी कुछ भी हम डिजाइन बनाएंगे, चेंज करेंगे, बाद कुछ हम आसानी से कर सकते हैं, और बैकग्राउंड लेयर में रहेगा तो हमको डिलीट करने में समस्या होती है। तो चलिए, सबसे पहले जैसा कि हमने बात की कि सर्किल है उसको दो भागों में बांटना है, तो जैसे मान लीजिए अभी ऐसे रेक्टेंगल टूल शो कर रहा है, ऑप्टिकल मार्कर टूल लेंगे और इसको मैं ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ। ड्रैग करने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, हमारा मैक्सिमम बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले सेलेक्ट रहता है न्यू सेलेक्शन पे। आपको आना है इस पर, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेलेक्शन, दो भागों में बांटना है तो सेलेक्ट करेंगे और जितना काटना जिस हिसाब से उसको ऐसे ड्रैग कर देंगे। मान लीजिए दो भागों में बट गया। अब अगर हम इसके अंदर कलर भी फिल करना चाहें तो आसानी से हम कलर फिल कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है चांद के शेप के बनाने की। ऐसे ड्रैग कर लेते हैं और ड्रैग करने के बाद ये सब्ट्रैक्ट वाला हम टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जिस एंगल में आपको चांद बनाने हैं, जिस पॉइंट पे काटना है, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से काट लेंगे। चलिए, मैं इस हिसाब से कुछ काट लेता हूँ। अब जैसे हम छोड़ेंगे ये हमारा कट जाएगा। इसके अंदर हम कलर फिल कर सकते हैं, और अब जो हमारा ये सिलेक्शन है इसको डिसलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, या सेलेक्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर डिसलेक्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, इसका शॉर्टकट कंट्रोल डी होता है, इस पर क्लिक करेंगे तब भी आपका ये डिसलेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम इस लेयर को डिलीट कर देते हैं। अब हम इस लेयर को डिलीट कर देते हैं और एक न्यू लेयर ले लेते हैं। अब बात आती है कि चलिए अब हम लोग सीढ़ी कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ से हमें रेक्टेंगल टूल लेना होगा। ये रेक्टेंगल टूल रहा, चलिए रेक्टेंगल टूल लेने के बाद ऐसे आप ड्रैग कर लीजिए जिस हिसाब से चाहिए। उसके बाद इस पर आएंगे, देखिए यहाँ पे ऐड टू सेक्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, फिर ऐसे, इसके बाद इसके अंदर कलर फिल करना है तो आप अल्ट के साथ बैक स्पेस प्रेस करेंगे, कलर फिल हो गया, फिर से सेलेक्ट है, इसको आप डिसलेक्ट कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से आप जो कुछ भी इसमें क्रिएट करना चाहेंगे बना सकते हैं, मात्र नहीं तीन चीज का प्रयोग करके। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनके भी काम आ सके। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।